हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुकेश इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लावा का जो मोबाइल है Z81, इसका FRP लॉक कैसे बाईपास किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसमें FRP है या नहीं। सेटअप अज न्यू, यूज माय गूगल अकाउंट, देखिए इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। इसमें ईमेल आईडी मांग रहा है, वो ईमेल आईडी मांग रहा है जो इस मोबाइल में डाला हुआ है, तो वो हमको पता नहीं है, इसके लिए हम इसको बाईपास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका FRP बाईपास किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें एक सिम लगा देना है। इसमें लगा हुआ है सिम, आप भी सिम लगा दीजिएगा। सिम लगाने के बाद जो है आपको इमरजेंसी कॉल पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे है इमरजेंसी इंफॉर्मेशन, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको एक सिंबल ये नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड कॉन्टैक्ट, इसमें आपको कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लिया हूँ। और इसमें आपको मैसेज पर जाना है। मैसेज पर जाने के बाद इसमें आपको टाइप करना है www.youtube.com और इसको SMS पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा, एक लिंक बन जाएगा ये, और इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो YouTube ओपन हो जाएगा। YouTube ओपन होने के बाद यहाँ पे ब्राउज़र सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, इसमें हम क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट करेंगे। इसको जस्ट वंस कर देंगे और टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसको नो थैंक्स कर देंगे। और इसको जो लिंक वाला टैब है, इस पर क्लिक करके और यहाँ हम टाइप करेंगे इस वेबसाइट पर हमको बहुत सारा फाइल भी मिल जाता है, मोबाइल का APK फाइल, इसलिए हम इसी वेबसाइट को सिलेक्ट करते हैं। इसमें जाने के बाद बहुत सारे मोबाइल में क्या होता है कि अगर आप यहाँ से स्क्रीन लॉक सेट कर लीजिएगा तो जहाँ पे FRP लगा हुआ है वहाँ पे लॉक स्क्रीन भी डालने का ऑप्शन देता है, तो वहाँ से भी डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको स्किप का ऑप्शन मिल जाता है। तो देखते हैं पहले यही ट्राई करके, अगर इससे नहीं काम करेगा तो दूसरा मेथड इसमें हम करेंगे। तो इसमें पहले पैटर्न सेट करते हैं, यहाँ पे एस कर देंगे और एक पैटर्न कोई सा भी सेट कर देंगे। ये लग रहा है कि सेट ले लिया है, तो इसको हम चेक करने के लिए एक बार सेटिंग में जाएंगे कि पैटर्न सेट हुआ है या नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे इस पे जाएंगे, स्क्रीन लॉक में पैटर्न सेट हो चुका है, देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा स्क्रीन लॉक सेट हो गया है। तो अब जो मैं गूगल बाईपास करने के लिए शुरू का जो सेटअप है वहाँ पर जाएंगे तो पैटर्न मांगेगा, जो अभी हम सेट किए हैं वो दे देंगे, हमारा FRP बाईपास हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, फ़ोन को रीसेट करते हैं। हेलो, तो फ़ोन को जो है रीस्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। रीस्टार्ट हो रहा है मेरा फ़ोन।
देखिए यहाँ पे जो है ये जो पैटर्न सेट किए थे उसे वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई कर देते हैं। देखिए दोस्तों मोबाइल जो है पूरी तरह से खुल गया है, लेकिन इसको अनलॉक करने के बाद फिर से जो है हमको ये सेटअप करना है। तो चलिए इसको हम सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे सेटअप एज न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए जो पैटर्न हम सेट किए हुए थे सेटिंग में वही पैटर्न जो है हमको यहाँ पे डालना है। तो चलिए डाल करके देख लेते हैं। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको सेटिंग में जा करके एक पैटर्न सेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ चुका है, इसको हम स्किप कर देंगे और यहाँ पे डिवाइस नेम बोल रहा है डालने के लिए, लेकिन हम अभी इसको नहीं डालेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे फिंगर या पैटर्न सेट करने के लिए ये कह रहा है, लेकिन हम इसको स्किप करेंगे। यहाँ पे नो थैंक्स कर देंगे और गेट इट पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये जो हमारा मोबाइल का FRP बाईपास हो चुका है।